75 साल तो एक एक्ट के अंग्रेजा के एक्ट के हिसाब नाल चले आ रहा है। वो एक्ट नाल छेड़छाड़ करन वाले कुछ नहीं होंदे, एक्ट है। इन्हां नूं तां इह भी नहीं पता होना भी MC कमेटी बनी हुई है पिंड। इह तां अपने पटवारी की गल नहीं मनते अफसर हो के, एक मैंबर की गल नहीं मनते, टैस स्टेशन नूं लंबड़दार की नहीं मनते, भाई भाई की मन लूगा अजकल दे। जो ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਇਹ 322 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 300,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂ ਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕਾ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ। जदों चंडीगढ़ के कई पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ बसाया गया सी, उस टाइम दे विच चंडीगढ़ की गौरमेंट ने बड़े वादे किए सी पिंड वालियां नूं कि असी हर तरीके नाल थोड़ी मदद करांगे, तो कोई भी कानून इदां दा लागू नहीं करांगे जिहड़ा थोड़े उत्ते भारी पवे। पर जिहड़ा नवां कानून हुण लागू कर रहे ने चंडीगढ़ प्रशासन, उन्हां पिंडां विच जिहड़े चंडीगढ़ दे विच अजे लोग रह रहे ने, उन्हां दीआं लाल डोरे तों अंदर ते बाहर दीआं रजिस्ट्रियां बंद कर रहे ने। उस संबंधी पिंडां दे जिहड़े मोहतबर बंदे ने वह अज चंडीगढ़ दे विच अपना धरना ला के बैठे ने, तो गलबात करते हैं की ने उन्हां दी मंगा। क्या नाम है जी अपना? रामवीर नाम है। आज जो धरने बैठे हो, क्या मांगे हैं जी आप? मांग ये है कि जो चंडीगढ़ के गांव हैं, इनका जो लाल डेरे का एरिया है, लाल डेरे के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी, उन रजिस्ट्रियों को बंद करने के विरोध में हम सब लोग धरने पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब लोग। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अफसर? भाई मीटिंग हुई है आपकी, क्या उन्होंने बोला? जिम्मेदार कह रहे कि ले जी हम कर रहे, देख रहे, हमने लिख करके भेज दिया, ठीक है, हमने उनको कह दिया 73 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी 73 साल में जो शुरू से चलता आ रहा था वही आप चलने दो। नया कानून आपको बनाने की पावर नहीं है कोई, अगर आप नया कानून बनाओ, इसलिए नवी नवी बातें करके नहीं, लोगों को परेशान ना करो। लगभग डेढ़ पौने दो महीने से लोग तंग हो रहे। ये रजिस्ट्रिया कहाँ है? वो इतनी रजिस्ट्रिया थी, ये रजिस्ट्रिया है, ऑनलाइन सबने टाइम लिया हुआ है, ये सारी की सारी रखी है, करते नहीं। कल UP में ऐसा हो, हरियाणा में ऐसा हो, पंजाब में ऐसा हो, हरियाणा पंजाब में जो होता है वो वहीं रखो आप, जो चंडीगढ़ में हो रहा था उसको होने दो आप, इसमें आप कोई दखल और खलल ना डालो बस। पंजाब और राजधानी तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, पर ये पंजाबी कानून मान रहे हैं राजधानी चंडीगढ़, क्या लगता है? नहीं पर वो कानून वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग कानून है ना। अब वहाँ से तो आप रेड लाइन के बाहर, अब जमीन जितनी मर्जी बेच लो, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गए, यहाँ से तो कोई इतना जा करके ना वहाँ पे कुछ भी कर लो रेड लाइन के बाहर, उसी टाइम तोड़ने के लिए आ जाते हैं, अब उसी टाइम तोड़ने के लिए आ जाते हैं ये, यहाँ पर वहाँ पर तो सब कुछ खुला है ना, जो इनको सुविधा है अपनी सुविधा के अनुसार वो कानून लागू करते हैं ये बस, जो पब्लिक के फेवर का है उसको ये मानते नहीं, फिर हरियाणा पंजाब आ जाता है, जो यहाँ के लोगों के फेवर की बात है। पर्सनल हम जो लोग बैठे, किसी का अपना कुछ वो नहीं मकसद है इसमें, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो चंडीगढ़ के पिंड हैं, पिंड के लोगों की परेशानी है, परेशानी करके लोग यहाँ पर बैठे हम, और बैठे रहेंगे जब तक ये रजिस्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी बस। क्या नाम है जी अपना, केड़ा पिंड है? मेरा नाम दीदार सिंह है जी, हल्लो मेरा पिंड है जी, मैं किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ BJP का। तो साडा जिहड़ा अज दा इह मुद्दा हैगा, ये चंडीगढ़ दे विच लाल डोरे दीआं अंदर जिहड़ियां रजिस्ट्रियां इन्हां ने बंद करतीआं चंडीगढ़ प्रशासन ने, उस दे संबंध दे विच उस दे विरोध दे विच असीं धरना दित्ता है तां कि इह रजिस्ट्रियां जिहड़ियां उह खोलियां जाण, उस दे संबंध च असीं इत्थे बैठे। 70 साल बाद क्या लोड़ पैगी इन्हां नूं, मतलब रजिस्ट्रियां बंद करने की लगता है कि क्यों तानाशाही हो रही है? ये सानू ये लग रहा है भी जिहड़े तहसीलदार नवें जिहड़े मतलब डेपूटेशन से इत्थे आने हैं, वो अपने कानून चलाना चाहते हैं, हो सकता उन्होंने दिमाग के बच्चे हो भी असीं लोगों को तंग करिए, शायद सानू कुछ किसी तरह की कोई उत्साह ना हो, क्योंकि जिहड़ा कानून 70 साल तो चल रहा है उन्होंने नवें सिरे तो बदलने की जरूरत की पै गई है इन्हों कि आके वो अपनिया नवी नवी चीज़ों ऐड कर, जबकि पहला भी लंबड़दार सरपंच तस्दीक करते थे
नक्शा तस्दीक करते थे आस पास के साइडा लिखते थे रजिस्ट्री रेडलाइन की हो जाती थी जो मौके के उपर उ सरपंच को पता है लंबड़दार को पता है कि यह इसका घर है वो तस्दीक करने की रजिस्ट्री हो जाती थी। अब तक इस तरह की किसी तरह की कदे किसी को कोई रजिस्ट्री रेडलाइन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई जी हूँ आके इन्होंने पिछले महीने तो क्रिएट कर दी है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग साढ़े को आ रहे हैं कि साड़ी रजिस्ट्रियाँ बंद करती हैं, उस करके असं इतने इन्हों दसिया भी ये जी नवे कानून बनाने की जरूरत नहीं ता कि जो पहला तो चल रहा है उस तरीके चला। पिंड वीर जी अपना हर कितों रहने वाले? मेरा पिंड सारंगपुर है जी, मैं सारंगपुर का ही रहने वाला। की नाम है अपना? मेरा सतेंद्र सिंह सिद्धू नाम है जी। जी तानाशाही हूँ थोड़ी लग रही है कि वरती जा रही है थोड़े नाल, की लगता कि ये दोषी कौन लगते हैं, कि अफसर लगते हैं, सरकार लगती है, कौन लगता? देखो जी दोषी तो वह बंदा होंदा जिहड़ा चीज़ ते एक्शन करता, ये चीज़ च एक्शन किया है तहसीलदार साहब ने, क्योंकि जब बंदे दो महीने हो गए बंदे आते हैं रजिस्ट्रियां करा एकदम उन्होंने उरे आके पता लगता रजिस्ट्रियां तो बंद करती, कागज़ पूरे होंगे हैं, सारी वेरीफिकेशन पूरी होंगी है, उरे आके पता लगता रजिस्ट्रियां बंद है। इस विच तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन दोषी है जी, जिहड़ा डीलिंग हैंड है एक पिंड के बंदे की लैड लाइन रजिस्ट्रियां डील करने वाले। की लगता है कि क्यों यह रवैया वरत रहे हैं कि दसया जा रहा है कि पहला पहली बार होया जो कि इस तरह रजिस्ट्रियां बंद हुई, पहला किसी को इदा की प्रॉब्लम नहीं आई, की लगता क्यों इन्होंने अफसर ने तानाशाही की? इस तो पहला भी जी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन च पंजाब तो डेपुटेशन तो भी आए तहसीलदार, हरियाणे तो भी आए हैं, कदे रजिस्ट्रियां किसी ने नहीं बंद किया। हरियाणे तो पहला अमरिंदर सिंह से उन्हें नहीं बंद किया, तो प्रमोट होकर चला गया HCS बन गया, उस तो बाद दिनेश आया उन्हें नहीं कदे बंद किया, वह भी प्रमोट हो गया HCS बन गया, तो पर जदों के मनदीप ढिल्लों और दो तहसीलदार होर हरियाणे के आए हैं जी, इन्होंने आंदे विनय चौधरी इन्होंने पहले दिन तो आके रजिस्ट्रियां बंद करतियां, ये हुण इन्हों वध पता है भी इन्हों के पिछे रीजन क्या है, क्या रूल है, क्यों बंद कीतियां है, ये पहले दिन तो आके ही बंद करतियां। की हवाला दिंदा है कि दसिया जा रहा है कई थोड़े इत्थे जिहड़े बैठे ने वर्कर कि पंजाब ते हरियाणे दा नाम लेके दसिया जा रहा है कि तां करके ही रोके? ये जी पंजाब है जिहड़ी ओह स्टेट है, पंजाबी स्टेट है, उन्हां दी अपनी कैबिनेट है, उत्थे डिसीजन कैबिनेट च हो जाने हैं, उत्थे इन्हां नूं जो भी कैबिनेट ने डिसीजन करता वह मनने पैंदे हैं। जिहड़ा UT है उरे दे डिसीजन मेकर है जी दिल्ली सेंटर, उरे कोई भी पॉलिसी ना तो DC बना सकता है, ईवन होम सैकटरी भी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता विदाउट अपरूवल ऑफ द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, पर जिथे इन्हों बेनीफिट दिखता है ये पॉलिसी डिसीजन अपने DC लैवल तक आप ही ले लें तहसीलदार, जिथे इन्हों नुकसान दिखता है उत्थे ये डिसीजन कह दें भी सेंटर का डिसीजन असी मनूंगे, जिमें हूँ जमीन अक्वायर करने का मामला था सेंटर को डिसीजन भेजता, रजिस्ट्रिया का पैसा बनाने का मामला था डिसीजन आप लौंगे, LR को फाइल भेजती उत्थे चार लाइना लिख के ले लूँगे डिसीजन पर कल फाइनल कर दूँगे, तुगलुकी फरमान हो जाना है, पैसे चाह दो त्यार भाइयों ने आपस लड़ाने का काम कर देना है, कोई दिल्ली नहीं इन्हों याद आई, कुछ नहीं याद आया, हरियाणे वाले नूं हरियाणा याद आ गया, पंजाब वाले नूं पंजाब याद आ गया, नुकसान UT दे पिंडां ते पातिया, फिर ऐ करो जे इन्ने तकड़े छेती डिसीजन लेने हैं UT दे, फिर तो साढ़े डिसीजन लेने, फिर तो साढ़े परपजे सॉल्व हो जाने हैं, साढ़े सारे डिसीजन ले लो, दस मिनट का खेल हैगा ये, तो हुण इन्हां ने अपनी मर्जी कर रहे हैं जी, ईवन ये कोई साडू रेड लाइन नूं रजिस्ट्रियां छेड़न वाले कोई नहीं होंदे, जिहड़े 75 साल तो एक एक्ट दे अंग्रेजा दे एक्ट दे हिसाब नाल चले आ रहा है, वो एक्ट नाल छेड़छाड़ करन वाले कुछ नहीं होंदे, एक्ट है रेड लाइन दा एक्ट है, ईवन सुप्रीम कोर्ट च भी जिहदा रेड लाइन ते कब्जा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ सकदा वो कब्जे नूं सुप्रीम कोर्ट। दूजी गल सरपंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दा हैड है, सरपंच पहला करदे सी हुण MC च आ गया, MC दे मैंबर है, गवर्नर साहब ने नॉमीनेट कीते हैं मैंबर, चेयरपर्सन लाई है, तुसीं उन्हां नूं इग्नोर करके उन्हां तों टेस्ट कराओ, सारे एक्स सरपंच उहदे मैंबर लाए हैं क्यों नहीं लाए, वह एक गौरमेंट अधारे ने मैंबर लाए हुए MC दे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उहदे विच तुसीं उन्हां दे साइन लो, अटेस्ट कराओ उन्हां तों, इन्नी वड्डी टीम गवर्नर साहब ने पिंडां दी वैलफेयर वास्ते, BJP गौरमेंट ने जी ये पिंड जद आए सी पंचायतां टुटियां सी बाह फड़न वास्ते कमेटी बनाई सी भी किसे नूं उरे रह रहे बंदे नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे, कितें भटकना ना पवे, भी ये लोकल बंदे हैं मैंबर बनाए हैं उन्होंने पूरी पावर है जी, वो इन्हों की तस्दीक कर सकते हैं, वो इसलिए बनाए हैं जी, होर मैंबर क्यों बनाए हैं, नोटिफिकेशन हुई है ऑनलाइन चढ़िया वा MC दे मैंबर हैं
उन्हां दी तां गल्ले नहीं कर रहे, ना उन्हां नूं इन्हां दा पता है, इन्हां नूं तां इह वी नहीं पता होना वी एमसी कमेटी बनी हुई है पिंड चेहरे विच। इह तां लुटने दा चीज़ है बस। ते हुण तुहाडी मीटिंग होई सी, क्या गल्लबात होई, जिहड़े तुसीं उत्थों वी नाराज़ आए हो, की लगदा कि इन्हां दोनां जिहड़े तहसीलदार ने उन्हां नाल ही गल्लबात करके कोई सरकार दे उपरों प्रेशर लग रहा, जां इन्हां दी अपनी ओर राय जिहड़ी तुहानूं इनकार कर रहे हैं रजिस्ट्रियां तों? मीटिंग होई है जी साढ़े पिंडां दे मसीहा साढ़े जनरल सैकटरी पट्टी साहब प्रधान साहब दो तीन बंदे असी अंदर गए सी। इन्होंने अपनी राय दसी और पहला तो बाहर मीटिंग हुई है, बाहर कई गल्लां च सहमति नहीं हुई है, कहिंदे जी अंदर आके करो, चलो अंदर चले गए। साढ़े जनरल सैकटरी साहब ने इन्हां दी गल्लां सुनिया पूरे ध्यान नाल। पॉलिसी कहिंदे असी पॉलिसी बना रहे हैं भी असी लीगल राय ले रहे हैं, लीगल राय नूं फाइल भेजी हुई है भी असी ना इदा करूँगे भी कल्ले कल्ले भरा नूं दे गए उदों एनओसीआं लो भी सानूं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ NOC ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਵੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ NOC ਦਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਿਹਾ। NOC ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ NOC ਦਊਂਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜਿਆ। ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? ਇਹ 3-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। BJP ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਤਿਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ BJP ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਿਆ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਰੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, 8-8 11-11 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ।